नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं निधि भारती, FMI न्यूज वालों तुहाडे सारयां दा स्वागत करदी हां। असी यूके दे संग टीवी दे वी साडे सारे दर्शकों का स्वागत करदे हां। बुलेटिन की शुरुआत करांगे खास खबरां दे नाल। गुरदासपुर के चक्री बॉर्डर पोस्ट से पाकिस्तान पासों हलचल मगरों भारत वालों फायरिंग, शक्कियां दे मौजूद होने का खदशा। फौज वालों चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन, नाल लगते इलाकों नूं कीता गया सील। जलंधर के आदमपुर विखे हुई गुटका साहिब बेअदबी मामले पुलिस ने एक मुलजम नूं कीता गिरफ्तार। पुलिस मुताबक मुलजम ने माहौल नूं लांबू लाउण लई कीती सी बेअदबी। तुरी नेड़े गड्डी दे रजवाहे च पलटन कारण चार लोगों की मौत, मरण वालों च दो औरतां ते दो बच्चे शामिल, 12 के करीब लोग हुए जख्मी, सारे मृतक मगवाल पिंड दे रहण वाले। जम्मू कश्मीर के बारामूला च होया अतवादी हमला, अतवादियों ने एक फौजी कैंप नूं निशाना बना के किया हमला। हमलावर तीन अतवादियों विचों दो ढेर, तीजे की भाल जारी, एक फौजी जवान की भी गई जान। गृहमंत्री राजनाथ सिंह दो दिन दौरे दौरान पहुंचे लेह लद्दाख, सुरक्षा प्रबंधा की नजरसानी करेंगे राजनाथ सिंह। गृहमंत्री मुताबक भारतीय फौज अतवादियों का सामना करने लिए है तैयार। भारत ने न्यूजीलैंड खिलाफ जीता दूजा टैसट मैच, न्यूजीलैंड 178 दौड़ा के नाल दित्ती मात। आईसीसी की टैसट रैंकिंग च भी भारत चोटी ते होया काबज। गुरदासपुर के चक्री बॉर्डर पोस्ट से देर रात BSF वालों पाकिस्तान पासों कुछ हलचल वेखी गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में BSF वालों फायरिंग भी की गई। BSF के अधिकारी मुताबक उन्होंने पाकिस्तान पासों कुछ शक्की गतिविधियां महसूस हुई, जिस तो बाद जवाबी कार्रवाई करद्या फायरिंग की गई। उधर इलाके के लोगों में सहम का माहौल वेखन नूं मिल रहा है। सुरक्षा बलों नूं इलाके विच शक्की व्यक्तियों के मौजूदगी का खदशा है, जिसके चलते इलाके नूं सील करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अचानक बंदे दिखाई दिए। अच्छा। बंदे दिखाई दिए, हमारे बंदर ने जो पैरा छोड़ के छानने में क्लियर करके फिर फेर किया, वो बंदे भाग गए। अच्छा। फिर सर्च किया तो एरिया क्लियर था हमारा, तो रात भर पूरी फौज इधर ही रही, शिफ्ट भी बदली नहीं हुई पूरी रात। अच्छा। सारे इधर रहे, तो उसके बाद में कोई हरकत नहीं दिखाई दी और सुबह पूरे एरिया की सर्च किया। कितने बंदे थे सर वहाँ पे? वहाँ 9 बंदे थे, इनके सामने से जो बंदे आए थे 9 बंदे थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान तो फिर गोलीबारी किसने की? गोलीबारी इंडिया वाला ने किया जब वो भागे। अच्छा। तभी भागे वो? हाँ, जब रात को अफसर आए सारे। सारे अफसर यहीं रात भर इधर ही रहते हैं। अच्छा। उस पोस्ट में रहते हैं, इधर रहते हैं, जिसमें हादसा होता है ना वहीं पे पहुंच जाते हैं। कैसे मालूम, कैसे चला के वो आ रहे हैं इस तरफ? अरे हमारे SSTI लगी, उसमें हरकत दिखाई दी कि बंदों की हरकत दिखाई देती है, वहाँ देखते रहते हैं, तुरंत हरकत दिखाई दी, पैरा छोड़ा तो उसमें बंदा ही नजर आ गए, तो फेर कर दिया तो तुरंत भाग गए। अभी देखिए जवानों की संख्या और बढ़ेगी। अभी हम लोगों ने अपनी जो हमारी यहाँ की स्वाट टीम है, जो स्पेशलिस्ट है सर्च ऑपरेशंस की, उनके साथ शुरू की, इसलिए जा रही है गांव वालों की सुरक्षा के लिए। कल रात के जो चक्री बॉर्डर आउटपोस्ट पे जैसा कि चल ही रहा है, आप सब लोग जान ही रहे हैं, उसके बाद वी आर स्टार्टिंग दिस एज अ प्रिकॉशन टू सैनिटाइज द एरिया। सरहद के बिगड़े हालात दौरान घरों तो हिजरत करने वाले लोगों की सार लैण लई मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने फिरोजपुर के सरहदी पिंडा का दौरा किया। बीमारी की हालत विच होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बादल ने गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर के सरहदी पट्टी विच पिंडा का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की सब तो वड्डी मुश्किल तारों पारली जमीन विचाली खड़ी फसल नूं कटवाउण दी लिखती आदेश जारी किए ने। हुसैनीवाला के पिंडा का दौरा करदिया मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि सरहदी पिंडा के लोगों नूं कोई भी मुश्किल नहीं आन दिती जाएगी, तो सरकार किसानों नाल खड़ी है। इस तो अलावा उन्होंने कहा कि किसानों तो जबरी पिंड खाली नहीं करवाए जाएंगे। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘਵਾਇਆ ਜੀ, ਹੋਰ BJP ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਦਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
उधर दूजे पासे सरहदी पिंडां च रहण वाले कुछ पिंड वासी अपना पिंड छड्डन नूं तैयार नहीं ने, परंतु सरकार वल्लों चलाईआं गईआं बसां इन्हां पिंड वासियां नूं सुरक्षित थावां ते लिजाण लई पहुंच रहीआं ने, पर लोकां मुताबक ओह अपना घर बार छड्ड के किधरे नहीं जाणगे। अमृतसर दे पिंड चक अल्ला बख्श दे लोकां मुताबक उन्हां नूं पिछे अपने घर बार तों अलावा माल डंगर दी वी फिकर है, जिस लई ओह किसे वी हाल च अपना पिंड छड्ड के नहीं जाणगे। ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੈਂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਲੇ ਜੂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੋ ਆਏ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਆ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਛਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 65-71 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਲ ਪੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟਾਫ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਡੀਓ ਦੀਆਂ, ਸੀਓ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੋਮਵਾਰ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨੇਤਾ ਗਿਰੀ ਜੋ ਜਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਆਪਸ ਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਸਾਥ ਪਿਆਰ ਚਾਹਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਚਾਹਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ। ਆਪ ਕਿਸ ਕੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਜੋ ਤਣਾਅ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਮਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਹਮ ਤੋ ਕਾਮ ਕਰੇਗੇ ਤੋ ਖਾਏਗੇ। ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਜੋ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਕੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਨਤੇ ਹੋ? ਹਮਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਮ ਜਹਾਂ ਪੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਵੋ ਤਾਂ ਐਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਗਲਤੀ ਕਰਤਾ ਦੋਨੋਂ? ਹਮ ਲੋਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਸਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨਾਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਦੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
ਜੋੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। सुकून से रहना चाहिए। अब मैंने शादी की है इंडिया में, मेरी वाइफ है साथ में, बच्चे पाकिस्तानी हैं, तो हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है हालात के अंदर यहाँ पे आने में। क्या दिक्कतें आती हैं? वीज़े की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इमिग्रेशन की, और फिर अभी जैसे रास्ते में चेकिंग होती है, तो अभी ट्रेन से उतार लिया गया वहाँ पर, सबके नीचे उतार के जेंट्स को चेक किया गया वहाँ पर, तो यानी कि पहले नहीं था ये, मगर इस दफ़ा ऐसा हुआ है। बॉर्डर एरिया का जो हालात है, क्या खाली खुली करवाई जा रही है? नहीं, बॉर्डर्स की तो वही नॉर्मल है, बस ये जितना अखबारों में आता है उसको पढ़ के जो है ना आवाम को कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं, जबकि इतना कुछ होता नहीं है। मतलब मीडिया जो है ना वहाँ पर, पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है? पाकिस्तान की आवाम तो अमन नहीं चाहती है, कि पाकिस्तान चाहता है अमन हो। मैं तो ये चाहूँगी माहौल बहुत अच्छे हो जाए, ये खराबी जो चल रही है मेरे लिए बहुत बड़ी बेचैनी है, अच्छा हो जाए, क्योंकि मेरा तो आना जाना, मेरा तो घर इंडिया में है, ये हमारे पति परेशान है हमारी वजह से, मैं तो ये जाऊँ माहौल अच्छे रहे हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये कराची के हैं जी? जी, कराची में हुई, नेशनलिटी हमारी दाखिल हुई है, और पासपोर्ट मैं इंडियन हूँ, मेरा पासपोर्ट इंडियन है। भावें पंजाब के सरहदी इलाके छड्डन लई मजबूर लोग हो या फिर सरहद पार भारत पाकिस्तान जाने वाले लोग, पर दोवें मुल्कां विचकार खराब माहौल का खामियाजा दोवें ही मुल्कां दे आम लोगों नूं भुगतना पै रहा है। अमृतसर तो सुखचैन सिंह, फ्री मीडिया। पिछले दिन जलंधर के आदमपुर विखे हुई गुटका साहिब बेअदबी मामले च पुलिस ने एक मुलजम नूं गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुताबक मुलजम ने बेअदबी की घटना नूं अंजाम सूबे का माहौल खराब करने लई ही दिता सी। पुलिस ने दस्सिया कि वह हले मुलजम तो होर पुछगिछ कर रहे ने। दस दिए जिला जलंधर च पैंदे आदमपुर च एतवार सवेरे उस समय पूरे इलाके च रोज़ की लहर दौड़ गई सी, जदों आदमपुर के वार्ड नंबर 7 च गुटका साहिब के अंग फटे हुए मिले सन। स्थानक लोगों मुताबक जदों कुछ लोग सवेरे सैर लई निकले तो उन्हां मोहल्ले के एक गली चों कोने च कुछ फटे हुए पन्ने देखे, जिन्हां नूं नेड़े ते देखा गया तो वह गुटका साहिब के पन्ने सन, अते गुटका साहिब भी उत्थे ही पिया होया सी। सो इन्होंने लोगों ने सहयोग नाल शाम नूं जिहड़ा कि बंदा इस विच गुरमीत सिंह सन ऑफ गुलवान सिंह हैगा, इस नूं अरैसट किया। इसने अपनी यह गलती मनी है, भी राती जदों कीर्तन ते गया सीगा ते उस तों इह उत्थों इह करीब 1 बजे दे करीब 70 रुपए दा इह गुटका साहब लैके आया, पढ़न वास्ते लैके आया सी। रात नूं इह दुकान दे अगे बैठा, पौड़ियां ते बैठ के इहदे पता नहीं की दिमाग च आया ते इह कहिंदा जी मैं उत्थों फाड़ के सुट्टदा। इहदे विच मौके ते अर्ली सवेरे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पक्षों भी टीम बुलाई गई सी, क्योंकि संगत दा भी साडा भी तो सीगा ही सीगा, लेकिन संगत दा विचार सीगा भी इसके उपर फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, वो चेक किया गया। फिर इस गल की ताइद कल कोरबरेट की गई भी जेडे सिंह साहबान आ जेडे भाई साहबान ने कल उ नगर की पाठ से कीर्तन। धूरी के पिंड लड्डा विच बुलैरो कैंपर के रजवाहे विच पलटन कारण 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 गंभीर जख्मी हो गए ने। जख्मियों नूं पटियाला रैफर कर दिता गया। मिली जानकारी मुताबक ये लोग पिंड मगवाल के रहने वाले सन, एक भोग समागम विच हिस्सा लैण दे लई जा रहे सन। चश्मदीदा मुताबक गड्डी सीधी जाके रजवाहे विच पलट गई, जिस विचों जख्मियों नूं मुश्किल दे नाल ही बाहर कढ़िया गया। SHO धूरी मुताबक यह लोग किसी भोग समागम विच ही हिस्सा लैण जा रहे सन, जदों वापस परत रहे सन तां पिंड लड्डा के नेड़े गलत पासे जाके रजवाहे विच ओह बुलैरो कैंपर पलट गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, इन्हां विचों 2 बच्चे ने ते 2 महिलावां ने। इधरों गड्डी आ रही सी, मोबाइल वाल जा रही सी, भोग तो आ रहे थे, आदि इधरों गड्डी आई सूए वालों, इन्हें बटन की कोशिश की जाके उन्हें टकरा के बिच सूए डिगी। घट्टो घट्ट 19-20 जाने से, जो कि बिच बच्चे से, बजुर्ग से, बुढ़िया तो बंदे से, कुछ की मौके की डैथ हो गई, कुछ वो नाल चाके रैफर करते, इधरों बंदे आ गए वो लै गए चाके। बस गड्डी अचानक उधर आ बड़ी जी, असी आ रहे थे बस उतो ही, बहुत जो नहर के लगे गड्डी आई सीधी हो गई जी, नहीं कुछ नहीं है मूहरे ही बस सीधी आई। हाँ वो भी घर की मुंडे चाचे का है, सारी कुड़ी के सस का भोग थी गई उत्थे। ये मंगवाल पिंड दे हैगे सी जी, अलाल पिंड गए थे किसी भोग ते, वापस आ रहे थे आउंदिया लड्डे सूए दे पुल ते टक रोंग साइड जाके सूए दे विच डिगी है, पिकअप ते बिल्कुल पुट्ठी हो गई सी, जिदे विच 2 बच्चे ते 2 लेडीज़ की डैथ हो गई है, बाकी करीब 18 दे करीब कैजुअलिटीज़ ने।
उधर बरनाला विच हल्के च कैप्टन प्रोग्राम तहत कैप्टन अमरिंदर सिंह महल कला पहुंचे। प्रोग्राम विच लोगों नूं संबोधन करदिआं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे दी अकाली सरकार नूं जम के निशाने ते लिया। उन्हां कहा कि बादल सरकार दे राज विच सूबे दी किसानी तों लैके उद्योग दा हाल दिन ब दिन खराब हुंदा जा रिहा ते हर वर्ग नूं सिर्फ नुकसान झेलना पै रिहा है। उन्हां कहा कि पंजाब नूं पावर सरप्लस बनाउण दा दावा करन वाली बादल सरकार पंजाब दी इंडस्ट्री नूं महंगे विच बिजली दे रही है जदके बाकी सूबियां नूं सस्ते विच बिजली देण दी पेशकश कर रही है। कैप्टन ने कहा कि 2017 दे विधानसभा चोणां तों बाद सूबे विच कांग्रेस दी सरकार बनण ते ओह बादल परिवार नूं जेल दी हवा खवाउणगे। देखो हैरानी दी गल इह है कि इह फैक्ट्रियां नूं 70 रुपए 60 पैसे यूनिट बिजली देण नूं तैयार ने, देर तां ही हाथ छड्ड के चले गए क्योंकि छत्तीसगढ़ विच 3 रुपए 25 पैसे यूनिट तुहानूं बिजली मिल रही है। लेकिन इही बिजली बोर्ड पंजाब दा अकाली पार्टी जिहड़ी बिजली फालतू है वह लोगों को होर सूबे वाले कह रही है कि आके 3 रुपए 40 पैसे सबको ले लो, थोनू देनी है 70 रुपए घर फैक्ट्री वाले देनी है 70 रुपए 60 पैसे, लेकिन बाहरले सूबे देने तैयार हो 3 रुपए 40 पैसे। क्या है अगर है थोड़े को बिजली तो साढ़े बंद 3-40 की क्यों नहीं दिखते, साढ़े फैक्ट्री को क्यों नहीं देते, साढ़े लोगों को घर क्यों नहीं देंगे, बड़िया बड़िया चीजा करी जाओ लुटी जाओ पंजाब सारा रेता छकी जाओ शराब के सारे ठेके उन्होंने कोई चीज बसा नहीं उन्होंने कोल टेलीविजन भी उन्होंने कोल कुछ तो छड़ दो दुनिया वास। मैं इन्होंने कह कि वाहेगुरु सानू जरा मौका मिले ना अगर असी सरकार चाहिए ये बादल ने सुखबीर सिंह ये दूजा जरा लंबू जहाँ ये सारे अंदर करा असं काका के अंदर ये ना समझो। जम्मू कश्मीर के बारामूला विखे एक बार फिर अतवादियों वालों उड़ी वर्गे हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई है। यह हमला सवेरे तीन अतवादियों ने एक फौजी कैंप को निशाना बना के किया जिस तों बाद जवाबी कार्रवाई में दो अतवादियों को फौजियों ने ढेर कर दिता जबकि तीजे की भाल जारी है और इस वास्ते सर्च ऑपरेशन भी फौजियों वालों चलाया जा रहा है। इस हमले में एक फौजी जवान की जान भी चली गई है और एक जवान जख्मी हो गया है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को जम्मू कश्मीर के दो दिन दौरे दौरान ले पहुंचे। इस दौरान गृहमंत्री सरहदी इलाकों का दौरा करके सुरक्षा प्रबंधा का निरीक्षण करेंगे। ले पहुंचने तो बाद गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय फौज और सुरक्षा बल अतवादियों और अतवादियों के हमलों का सामना करने लिए पूरी तरह तैयार ने। अपने लद्दाख दौरे बारे बोलदिया गृहमंत्री ने कहा कि वह इतने वक् वक् वर्गों के लोगों नाल गलबात करके खेतर दी समस्यावां बारे जानने की कोशिश करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि इत्थों दे लोग जो भी समस्यावां दा सामना कर रहे हैं उन्होंने हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लद्दाख और लेह में यहाँ के सारे डेलीगेशन से हम लोग मिलेंगे और लद्दाख और लेह के हालात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पीओके विच पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक तो बाद अरविंद केजरीवाल ने वीडियो मैसेज राही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। केजरीवाल ने अपने वीडियो मैसेज च कहा है कि पीएम मोदी नाल उन्हां दे कई मतभेद ने पर आर्मी दे सर्जिकल स्ट्राइक लई ओह पीएम मोदी नूं सल्यूट करदे ने। केजरीवाल ने कहा कि जदों तो सर्जिकल स्ट्राइक होया है उस तो बाद पाकिस्तान बुरी तरह नाल बुखलाया होया है। उन्हां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपील की कि जिवें जमीन दे उपर पाकिस्तान नूं जवाब दिता गया उसी तरह ही पाक दे झूठे कैंपेन नूं भी बेनकाब कीता जावे। पिछले हफ्ते हमारी सेना ने बहुत बहादुरी के साथ उसका बदला लिया और अंदर घुस के वहां पे आतंकवादी जो कैंप थे उस पे सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। मेरे अपने हमारे प्रधानमंत्री जी से 100 मुद्दों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने इच्छा शक्ति दिखाई है इस मामले में उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पत्रकार कह रही थी कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहां ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहां बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहां तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। उस रिपोर्ट को देख के खून खौल उठा बुरी तरह से। बीबीसी वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। तो पाकिस्तान
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख खराब करने में लगा हुआ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सब ने मिलकर जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। खबरों के इस बुलेटिन फिलहाल इन्नी इजाजत दियो, धन्यवाद।